हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस एपिसोड में, वीडियो में। और आज जो है एकदम एक्साइटेड सा है माहौल, क्योंकि आज हम पहली बार रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारी वीडियोस हमारे स्मार्ट बोर्ड के ऊपर। तो बहुत बहुत एक तरीके से एकदम एक्साइटमेंट हो रही है खुद को, और स्टार्ट करते हैं। तो जो आज की वीडियो है, आज हम बात करेंगे DTU लीड के बारे में। DTU लीड का जो मैथमेटिक्स का पेपर होगा, मैं स्पेसिफिकली उसके लिए बात करूंगा। बट सरप्राइज एलिमेंट ये है कि ये जो वीडियो है वो जरूरी नहीं कि सिर्फ DTU लीड वाले ही देख सकते हैं। इस वीडियो को आईपी लीड वाले भी देख सकते हैं, इस वीडियो को CVET वाले भी देख सकते हैं, या फिर जो भी मैथमेटिक्स का पेपर देना चाहता हो, 11, 12 का जिनका सिलेबस आता हो, वो इस पूरी वीडियो को देख सकते हैं। इसके अंदर स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो कि चुन चुन के डाले गए हैं, पेपर में आए हुए हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन डाले गए हुए हैं। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और आज देखते हैं अलग अलग क्वेश्चन। स्टार्ट करने से पहले एक मिनट का मैं समय लेना चाहूंगा, एक मिनट से भी कम का, बस बताना चाहूंगा कि जो GCSE है उसका लीड के लिए यहाँ पर हम स्टार्ट कर चुके हैं हमारा पढ़ाकू बैच। ये पढ़ाकू बैच जो है वो शुरू हो चुका है, और यहाँ पर आप एनरोल कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे आप leadcoaching.com की वेबसाइट पर जाएंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर इस एडमिशन पर जाना है, और यहाँ से आपको जो है ये दिख जाएगा कि ऑनलाइन ऑफलाइन बैच और ऑनलाइन बैच दोनों के जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप इन दोनों में से जिसमें भी आपको सुटेबल हो आप रजिस्टर कर लीजिए, और अपना जो है आगे अपनी लीड की करियर को बढ़ाइए, ठीक है। तो इतनी सी बात मैं करना चाहता था इसके बारे में। अब स्टार्ट करते हैं अपने आज के मुद्दे के ऊपर, जो कि है अपना DTU लीड के जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं बाय मी। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमें क्या रहा है कि एक हमारे पास मैट्रिक्स है जो कि है कुछ इस टाइप की, पेन सिलेक्टेड है, बिल्कुल है, एक मैट्रिक्स है कुछ 2, -3 और 4। सबसे पहली बात है कि ये एक सिंपल सीधी मैट्रिक्स है, ठीक है, ये एक रो मैट्रिक्स है, इसमें एक ही रो है, और यहाँ पर मेरे पास एक वी है जो कि एक कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मेरे पास एक रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, मुझे करना क्या है, मुझे बताना है कि UV प्लस XY मेरा कितना होने वाला है, UV प्लस XY मेरा कितना होने वाला है। तो आप सभी से विनती है कि यहाँ पर ही वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें कि क्वेश्चन कैसे होने वाला है। देखो, अगर तुम ट्राई नहीं करोगे खुद से तो कोई बात नहीं है। अब देखो, सिंपल सीधी बात है, होप कर रहा हूं कि तुमने वीडियो को पॉज किया होगा और रुक कर देखा होगा। अब देखते हैं कि ये कैसे होने वाला है। सिंपल सीधी बात है कि हमको पूछा है UV और XY, मतलब क्या कि U into V करेंगे और X into Y करेंगे, ठीक है। तो मैं कैलकुलेशन में यहां पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, सिंपल सीधा आंसर है मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा, तो इतना बड़ा काम नहीं, आंसर 20 आएगा। अगर किसी को लगता है कि भाई कैसे मल्टीप्लाई किया, उसके लिए मैं एक करके दिखा देता हूं। 2, -3 और यहां पर है मेरा 4, और इधर है मेरे मल्टीप्लीकेशन में 3, 2 और 1, ठीक है, 3, 2 और 1। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा 2 into 3 plus -3 into 2 plus 4 into 1। अगर मैं पूरे को देखूं तो यहां से आएगा 6 plus -6 plus 4, तो ये तो हट गया सिर्फ 4। मतलब क्या कि U into V मेरा कितना निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। उसी प्रकार मेरा X into Y कितना निकल के आएगा, 16 निकल के आएगा। और जब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 20, और 20 मेरा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो देखा हमने कि किस तरीके से जो है हमने इस सवाल को सॉल्व किया। बहुत बेसिक सवाल था, पेपर में ऐसे ही सवाल आते हैं, कभी मुश्किल कभी आसान, बस हमें करना इतना होता है कि हमें उन आसान सवाल को आइडेंटिफाई करना है और उनके बेसिस पर आंसर लेके आना है, सिंपल सीधी बात है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई डिटर्मिनेंट ये है हमारे सामने। देखने में बड़ा सा लगेगा, भाई क्या यार ABC डिटर्मिनेंट दे दिए हैं, क्या वॉल्यूम है इसके अंदर, और इक्वल टू 0 है। अब मुझे बस इतना बताना है कि जो ये ABC है, देखो क्वेश्चन को पढ़ना और क्वेश्चन के अंदर से जो सिलेक्टेड चीजें हैं उनको मार्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है कि मैं इस डिटर्मिनेंट की बात करूं, डिटर्मिनेंट है मेरा AB AX plus B BC BX plus C AX plus B BX plus C and 0, which is equal to 0. Now what I have to tell is कि मुझे बताना है कि ये ABC किसके अंदर है, AP में है, GP में है, HP में है, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, पॉज करो वीडियो को और इसको ट्राई करो खुद से कैसे होने वाला है। मैं बस बताने वाला हूं कि हम इसके अंदर क्या अप्रोच लगाने वाले हैं, ठीक है। तो अप्रोच कुछ इस प्रकार की है कि अब देखो क्योंकि एक्स है, ठीक है, अब सिंपल सी एक अप्रोच है ये है कि मैं एक्स को ना, अब एक्स तो वेरिएबल है, मैं एक्स को 1 मान लू, एक्स को 2 मान लू, ठीक है, कुछ भी मान सकता हूं एक्स को, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा डिटर्मिनेंट 0 ही आना है। तो मैं एक्स को चाहे 1 मानू, 2 मानू, 3 मानू, कुछ भी डालू, मेरा आंसर यही आने वाला है, ठीक है। तो मैं एक्स को अभी के लिए क्या मानता हूं, एक्स को
वन मान के चलता हूँ और फिर मैं सवाल को सॉल्व करूंगा तो मेरा सवाल थोड़ा आसान हो जाएगा। आसान कैसे होगा, मैं यहाँ पर टाइम नहीं लगा रहा, बस अपना डिटरमिनेंट लिख रहा हूँ कि मेरा डिटरमिनेंट किसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा ए बी ए प्लस बी, यहाँ पर आएगा बी सी बी प्लस सी, बेसिकली यहाँ पर x को मैंने वन पुट किया, ठीक है। उसके बाद क्या है a प्लस बी बी प्लस सी और यहाँ पर है जीरो, विच इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी तिगड़म लगानी पड़ेगी, बेसिकली अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तिगड़म से मेरा मतलब है यार हमें पता है डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, हम रो कॉलम को ये सब चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ कि हमें क्या क्या लगाना पड़ेगा अगर मैं लगाऊंगा यहाँ पर कि आर वन, आर वन को मैं क्या लिख दूं, आर वन प्लस आर टू, ठीक है, और आर वन को जब ये कर लूंगा उसके बाद मैं आर वन को दोबारा चेंज करूं आर वन माइनस आर थ्री के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं ये चीज करूंगा तो जो मेरा डिटरमिनेंट है वो मेरा डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा जीरो बी ए प्लस बी, साथ साथ कर रहे हो ना, साथ साथ कर लो, साथ साथ करोगे तो ही बात बनेगी, ठीक है। मैं यहाँ पर क्योंकि टाइम बहुत प्रीशियस होता है तो यहाँ पर टाइम ना वेस्ट करते, सिर्फ और सिर्फ मैं अप्रोच बता रहा हूँ कि कैसे करना है, ठीक है, उसके आगे का स्टेप बता रहा हूँ, पर तुमको स्टेप वाइज खुद चलना है। वीडियो को पॉज कर लो, वीडियो को 2x से कम, मतलब 2x से देखते ज्यादा लोग, तो उससे कम कर लो, जैसे मर्जी कर लो, बट साथ साथ करो, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास 0b और a प्लस बी, उसके बाद हमारे पास आएगा 0c b प्लस सी और a प्लस 2b प्लस सी और यहां पर आएगा b प्लस सी और यहां पर आएगा 0, ठीक है जी। तो ये हमारा जो है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट कुछ इस टाइप से बनके निकलेगा, ठीक है। अब अगर मैं इस डिटरमिनेंट को देखो, क्योंकि क्योंकि यहां पर मैंने दो जीरो बना लिए, देखो डिटरमिनेंट का जो ये हमने R1 R2 R1 और R1 में मतलब जो हमने चेंजेस करे हैं वो क्यों करे हैं, ताकि हम अपने डिटरमिनेंट में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बना पाए। अगर हम अपने डिटरमिनेंट में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बना पाते हैं तो उस केस में डिटरमिनेंट को खोलना आसान हो जाता है, और अगर डिटरमिनेंट को खोलना आसान है तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करना भी आसान है। तो हमने यहां पर क्या किया, हमने यहां पर दो जीरो बना लिया अपनी पहली रो में। तो अगर मैं इस डिटरमिनेंट को एक्सपैंड कर दूंगा, एक्सपेंडिंग अलोंग आर वन, अगर मैं इस डिटरमिनेंट को आर वन के अलोंग एक्सपैंड कर दूंगा तो मेरा कहीं ना कहीं जाकर मैं कहीं रुकूंगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसके अलोंग एक्सपैंड करूंगा तो ये तो पूरा जीरो कर देगा, इसके अलोंग करूंगा जीरो कर देगा, इसके अलोंग करूंगा तो एज अ बॉम्ब मेथड ये हटेगा ये हटेगा, दिस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है, कुछ ऐसा सा बनेगा। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि थोड़ी लेंथी सी, हल्की सी लेंथी सी कैलकुलेशन है, चार पांच स्टेप्स लगेंगे। मैं फाइनल आंसर बता रहा हूँ, फाइनल आंसर बनेगा हमारा बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू जीरो, ये हमारा जो है फाइनल आंसर आ रहा होगा आफ्टर डूइंग ऑल द कैलकुलेशन, आफ्टर डूइंग ऑल द कैलकुलेशन। और अगर ये आंसर आ रहा है तो अब तो बच्चा बच्चा बता सकता है कि अगर ए बी सी तीन टर्म है और उसके अंदर मेरा बी स्क्वायर माइनस ए सी यानी बी स्क्वायर इक्वल टू AC आ रहा था, तो बच्चा बच्चा बता सकता है कि ये क्या है, ये है भाई ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन है। तो ये सीरीज कौन सी हो गई, ये सीक्वेंस कौन सा हो गया, सीरीज कौन सी हो गई, जो भी है इसके अंदर इसके अकॉर्डिंग वो क्या होगा, जीपी होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरीके से मैं सवाल को सॉल्व करना था, थोड़ा सा समराइज कराया था मैं सवाल के लिए। पॉइंट नंबर वन, मुझे इस डिटर्मिनेंट को देखना है, मुझे इक्वल टू जीरो इधर है, कुछ नहीं आता तो ट्राई करो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बना पाओ। इफ यू आर एबल टू मेक मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आउट ऑफ दिस डिटरमिनेंट देन यू कैन सॉल्व दिस डिटरमिनेंट वेरी इजीली, ठीक है। हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाए, जीरो बनाने के लिए मैंने पहला स्टेप क्या है, क्या किया, आर वन को चेंज कर दिया आर वन प्लस आर टू में, उसके बाद आर वन को चेंज कर दिया आर वन माइनस आर थ्री के अंदर, ये स्टेप करना। अगर तुमको कोई और स्टेप लगता है वो आसान लगता है वो कर लेना, ये कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि यही यही करना है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है यही करना है, वो तुम अपने हिसाब से देख सकते हो। तो इतना कर लोगे तो यू आर गुड टू गो, ठीक है। उसके बाद हमारा जो डिटरमिनेंट है वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, उसके बाद इसको बस सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। कूल है जी, तो इतना हमने कर लिया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर, पॉज कर लो वीडियो और देखो कि कैसे बना है हमारा ये क्वेश्चन है मैट्रिक्स का, और बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करनी है, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करूंगा और उसमें ये ऐड कर दूंगा तो मेरा फाइनल आंसर जो आ रहा होगा मुझे वो बताना है। सिंपल सीधी बात है, ठीक है। तो कैलकुलेशन में नहीं जाते हैं, और इसको अगर मैं देखूं, चलो इसकी कैलकुलेशन में बता देता हूँ, इसकी क्या होगी, होगी 7 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5, और नीचे क्या बन रहा होगा मेरा, मेरा बन रहा होगा 9 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 1, तो ये एक मेरा बन जाएगा, ठीक है। और मुझे ऐड करना है इसके अंदर 8 और 4, ठीक है, ये मेरा बन जाएगा।
अब अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूं तो यहां पर बनेगा मेरा 35 बाय बाय नहीं आएगा सॉरी 35 और नीचे आएगा मेरा 40। तो ये एक मेरी मैट्रिक्स बन गई और इसमें मुझे ऐड करना है 8 और 4, ठीक है। तो अगर मैं इसको इंप्लीमेंट कर दूंगा तो मेरा जो आंसर बनेगा बनेगा 43 44, ठीक है। बस ये करना था इस सवाल के अंदर, कुछ नहीं यार, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बस इतना करना था अपने को, ठीक है। तो इतना हम कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा सवाल है, नेक्स्ट सवाल जो है वो है कि इफ 3 इज अ रूट ऑफ दिस, ठीक है, तो इट इज ऑल्सो रूट ऑफ दिस। मतलब क्या है कि 3, इफ 3 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, तो अगर 3 इस इक्वेशन का रूट है तो ये और किस इक्वेशन का रूट है, ठीक है। अगर 3 इस इक्वेशन का रूट है तो इनमें से और किस इक्वेशन का रूट है। अब ऐसा करने के लिए मुझे k की वैल्यू पता होनी चाहिए, k की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी मैं बता पाऊंगा। k की वैल्यू पता होनी चाहिए, k की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर मुझे यहां पर k की वैल्यू पता होगी तो ही मैं बता पाऊंगा कि मेरा जो 3 है वो और इनमें से किसका रूट है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे यहां से k की वैल्यू निकालनी है, बहुत सिंपल सा है। अगर 3 इसका रूट है तो इस इक्वेशन में अगर मैं पुट कर दूंगा तो मेरा आंसर 0 आ रहा होगा, वहां से मैं k निकाल लूंगा, k निकालने के बाद मैं सब इक्वेशन पुट कर लूंगा और वहां पर 3 पुट करके देख लूंगा कि मेरा इसमें से कौन सा 0 होने वाला है। क्लियर है बात, ठीक है। तो अगर मेरा 3 रूट है तो 3 का स्क्वायर प्लस k इंटू 3 माइनस 24 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये कर दूंगा। यहां से मेरा k क्या आएगा, k मेरा आएगा 5, चेक कर लेते हैं, k 5 ही आ रहा है ना, ठीक है, यस k 5 ही आएगा, ठीक है। अब अगर k 5 है और x 3 है, ठीक है, x 3 है ना क्योंकि एक रूट है, तो अब मैं इनमें से किसी में पुट करके देख लूंगा और जिसमें मेरा आंसर सेटिस्फाई कर रहा होगा k और x, वो मेरा फाइनल आंसर होगा। अब बाकी मैं कुछ नहीं करा रहा, इसके अंदर रेस्ट इज कैलकुलेशन है, इसका आंसर तुम चेक करेगा, इसका आंसर c है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है कि तुम यहां से k निकाल लो इस इक्वेशन में 3 को पुट करके, 3 अगर पुट करोगे तो इक्वेशन जो है वो 0 हो रही होगी, सेटिस्फाई हो रही होगी। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो मेरा सिंपल सीधा आंसर क्या होने वाला है कि मैं k निकाल लूं, ठीक है, x मेरे पास है, मैं x और k अलग अलग इक्वेशन में पुट करके देख लूं, हिट एंड ट्रायल लगा लूं, ठीक है, और जो भी मेरा आंसर होगा वो मिल जाएगा, वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही होगी, दैट्स इट, इतना सा करना था इस सवाल, ठीक है। बढ़े नेक्स्ट, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने वो है द इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन आर इन एपी, जो एपी जो इंटीरियर एंगल है ना पॉलीगन के, ठीक है, जो अंदर के एंगल है, पॉलीगन किसी भी शेप का हो सकता है, पॉली बोला है तो बहुत सारी उसकी साइड्स होने वाली है, ठीक है, तो उसी मान लेते हैं कि जो उसकी साइड्स हैं, ठीक है, वो n है, ठीक है, जो साइड्स हैं वो कितनी है, n है। तो हमारे पास ना एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो हमें इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए याद रखना होता है, दैट इज कि अगर मेरा पॉलीगन गिवन है तो पॉलीगन के लिए अगर मेरे पास n साइड है, अगर मेरे पास n साइड है तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज गिवन बाय, अगर नहीं याद है ये वाला फॉर्मूला तो अभी देख लो, अभी याद कर लेना, ठीक है। तो वो फॉर्मूला जो है वो है 2n माइनस 4 इंटू पाई बाय 2, ये है मेरा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, ठीक है, अगर नहीं याद है तो अभी याद कर लो। तो अगर मैं इस सवाल के अंदर थोड़ा सा देखूं तो ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिख सकता हूं, n माइनस टू बाय पाई, बाय नहीं मल्टीप्लाई बाय, तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। चलो अब सवाल पढ़ते हैं, सवाल कह रहा है कि अगर मैं अपने एंगल की बात करूं, ठीक है, पॉलीगन के एंगल की बात करूं, तो जो मेरा सबसे छोटा एंगल है वो है मेरा 120, ठीक है, 120 मेरा सबसे छोटा एंगल है, उसके बाद मेरे एंगल बढ़ रहे हैं और बढ़ किस पे रहे हैं, 5 के कॉमन डिफरेंस से बढ़ रहे हैं, तो पहला एंगल मेरा 120 है, फिर मेरा क्या होगा नेक्स्ट 125 होगा, उसके बाद ऐसे ऐसे करते करते मेरा आगे तक चलेगा, अप टू एन चलेगा, जितनी मेरी साइड्स होंगी, ठीक है, क्योंकि मेरी साइड्स कितनी है, एन है, तो मुझे बताना है कि यहां से कितनी नंबर ऑफ साइड्स है मेरे पास, ठीक है। तो पहला एंगल अगर मेरा 120 है, दूसरा मेरा 125 है, तीसरा मेरा समथिंग 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 अप टू एन तक चलेगा, तो अगर मैं सम ऑफ ऑल द एंगल निकाल लूं, जो पॉलीगन के अंदर के सारे एंगल हैं उनका सम निकाल लूं, वो किसके बराबर होगा, वो n माइनस 2 इंटू पाई के बराबर होगा, यही बात करी हमने यहां पे। तो अगर मैं इसका सम निकालू तो सम क्या फॉर्मूला होता है, एन बाय टू
2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, क्योंकि हमें ap दे रखा है तो ap का फॉर्मूला लगाएंगे और वो किसके बराबर होगा, n माइनस टू पाई के बराबर, ठीक है। यहां से a मेरा कितना है, a मेरा है 120, क्योंकि मेरा जो स्मॉलेस्ट एंगल है यहां से जहां से स्टार्ट होगी चीजें वो 120 है। उसके बाद मेरा कॉमन डिफरेंस कितना है, मेरा कॉमन डिफरेंस है d = 5, तो मेरा a है 120, d है मेरा 5, ठीक है, और मैं इसके बराबर पुट कर दूंगा यहां पर पाई, अगर नहीं समझ आ रहा पाई को एंगल के अंदर बात हो रही है तो हम पाई को 180 लिख सकते हैं, ठीक है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर मैं ये चीजें पता लगा ली मैंने तो अब तो कुछ बचा नहीं सवाल के अंदर, अब तो सिंपल सा मुझे क्या करना है, ए के जगह 120, ठीक है, डी के जगह 5 और एन निकालना है। अब मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, यहां से मैं डायरेक्टली बता रहा हूं कि मेरा एन क्या आएगा, जो मेरा एन है वो दो आएंगे, ठीक है, एन मेरे दो आएंगे, एक एन मेरा निकल कर आएगा, एक एन मेरा निकल कर आएगा 9 और एक निकल कर आएगा 6, एक एन निकल के आएगा मेरा 9 और एक निकल के आएगा 6, पर ऑप्शन के अंदर मेरा 16 तो है, 16 सॉरी, एक निकल के आएगा 9, एक निकल के आएगा 16, तो ऑप्शन के अंदर मेरा 16 नहीं है तो मेरा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, 9 करेक्ट हो गया। बट व्हाट इफ तुम्हें ट्रिक करने के लिए वो 9 के साथ साथ 16 भी दे देता, अगर ट्रिक करने के लिए वो 9 के साथ साथ 16 भी दे देता तो उस केस में क्या करते, तुम एक बारी पुट करके देख लेते कि सम ऑफ ऑल एंगल्स या एक एंगल हमारा कितने का बन रहा है। तो अगर तुम इसके अंदर 9 पुट करते, ठीक है, तो 9 पुट करने से तो तुम्हारा एंगल जो बनता वो 180 से छोटा बनता, बट अगर तुम इसके अंदर 16 पुट करते तो जो तुम्हारा एक जो तुम्हारा लास्ट का एंगल होता है ना, तो 16th एंगल होता है, यानी A16, ठीक है, वो कितना होगा, A प्लस 15 D होगा, A मेरा 120 है प्लस 15, D मेरा कितना है 5, ठीक है, तुम इसको सॉल्व करोगे तो मेरा 195 के आसपास आएगा, ठीक है, हाँ 195 के आसपास आएगा। तो एक बात सिंपल सी है कि पॉलीगन के अंदर सारे एंगल 180 से छोटे होते हैं, पॉलीगन के अंदर सारे एंगल 180 से छोटे होते हैं, क्योंकि 180 ऐसा एंगल होता है, ठीक है, मतलब मैं प्रॉपर ऐसा बताऊं, 180 ऐसा एंगल होता है, 180 से बड़ा एंगल ये ऐसा निकल जाएगा, ऐसा निकल जाएगा, ठीक है, तो ऐसा पॉलीगन तो नहीं होता है, पॉलीगन के सारे एंगल 180 या 180 से छोटे होते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं 16 पुट करता हूं तो मेरा 16th एलिमेंट होगा, जो मेरा 16th एंगल होगा वो मेरा 195 आएगा, जो कि बड़ा है मेरा 180 से, दैट इज व्हाई मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ 9 को अपने आंसर में इंक्लूड करूंगा, दैट्स इट, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए बी सी आर 3 अनइक्वल नंबर सच दैट ए बी सी आर इन एपी, ठीक है, और ये वाला पार्ट जीपी के अंदर है तो हमें बताना है कि इनका रेशियो क्या होगा, ठीक है, पॉज करो वीडियो को और ट्राई करो कि कैसे करने वाले हो इस सवाल को। तो सबसे पहले हमें क्या बोला है, होप कर रहा हूं कि पॉज किया होगा और ट्राई करने की कोशिश की होगी। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हमें यहां पर एपी में गिवन है, ठीक है, तो एपी में गिवन है तो मैं यहां पर सबसे पहले क्या लगा सकता हूं, अर्थमेटिक मीन लगा सकता हूं, और ये वाला पार्ट मुझे जीपी के अंदर गिवन है तो यहां से मैं ज्योमेट्रिक मीन लगा सकता हूं, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं इनका रेशियो ले सकता हूं। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कैलकुलेशन में, जो भी है मैं सिंपल सीधा बता रहा हूं कि अगर मैं ये एपी के अंदर तो इसका मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी इज इक्वल टू 2b, और वो वाला पार्ट जो ज्योमेट्रिक मीन में है उसको अगर मैं करूंगा तो वो मेरा आएगा c माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू d माइनस a इंटू a, ठीक है, c माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस a इंटू a, ठीक है, b माइनस a इंटू a, ठीक है। अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्या होगा, अब मैं यहां से क्या कर सकता हूं, मैं इसको खोल देता हूं, ठीक है, क्या खोलने से बात बनेगी, ट्राई कर सकते हैं, या खोलेंगे भी ना तो 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 मुझे यहां से कुछ वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर इसमें डालनी पड़ेगी। मैं यहां से ए की वैल्यू निकाल के यहां डाल सकता हूं तब मेरा कुछ बन सकता है, ठीक है, और मैं और किसकी वैल्यू निकाल सकता हूं यहां से, सी माइनस बी, ठीक है, मैं यहां से सी माइनस बी कितना लिख सकता हूं, अगर मैं इसके यहां पर a इज इक्वल टू टू बी माइनस सी सी माइनस बी सी माइनस बी मुझे सी माइनस बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और जो c माइनस बी है वो मेरा a के बराबर आएगा। कैलकुलेशन गलत तो नहीं है इसके अंदर, कुछ एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूं कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है।
ओके गाइस चेक कर लिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग बस इतनी है कि हमने यहाँ पर एक चीज पे ध्यान देना है, एक मिनट, अगर मैं इस पूरे को मिटा दूं और यहाँ पर एक ध्यान से देखूं कि हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है और हम कैसे काम करने वाले हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि अगर मैं इसमें ध्यान दूं तो मेरा ए बी सी जो है किसमें है, एपी के अंदर। अगर ये एपी के अंदर है तो इसका मतलब क्या है कि मेरा बी माइनस ए किसके बराबर रहने वाला है, मेरा रहने वाला है सी माइनस बी के बराबर। यहां पर ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर इस पॉइंट पर ध्यान दे दिया तो आगे जो सवाल अटकेगा उसमें हम अटकेंगे नहीं, ठीक है। तो अब यहां पर अगर मैं बात करूं एपी के बारे में, तो एपी के हिसाब से मैं सिंपल सीधा ये बोल सकता हूं कि मेरा ए प्लस सी इज इक्वल टू टू बी होने वाला है, ठीक है। और अगर मैं अपना इस जीपी के हिसाब से बोलूं तो जीपी के हिसाब से मेरा क्या रहने वाला है, सी माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस ए इंटू ए, ठीक है। अगर इतना हमें पता है, हमें यह भी पता है कि सी माइनस बी किसके बराबर है, बी माइनस ए के बराबर है, मतलब ये इसको एक इसका स्क्वायर काट सकता है, ठीक है। अगर इसको काट सकता है तो मेरा एक इसके बराबर आ गया, ए आ गया मेरा सी माइनस बी के बराबर आ गया, ठीक है। एक इसके बराबर आ गया, सी माइनस बी के बराबर आ गया, एक इक्वेशन मेरी ये रही, एक इक्वेशन मेरी ये रही। अगर मैं इसको फर्स्ट मानू और इसको मैं सेकेंड मान लेता हूं, तो ऑन सॉल्विंग वन एंड टू, ठीक है, ऑन सॉल्विंग वन एंड टू, मैं सिर्फ और सिर्फ ए और बी मतलब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करो तो मेरा ए जो है वो निकल के आता है, ए आता है बी बाय टू, ठीक है, और जो मेरा सी है वो आता है थ्री बी बाय टू। चेक कर लेना, यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे पूछा है ए इज टू बी इज टू सी, तो अगर मैं ए को लिखू तो वो है मेरा बी बाय टू, बी मेरा बी ही है और सी मेरा कितना है थ्री बी बाय टू, ठीक है। इस टू से ये टू उड़ेगा, बी 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 हट जाएगा, तो रेशियो कितना आ गया मेरा, यहां पर मेरा टू बी है ये, एक मिनट, हाँ, तो ये जो टू है ना ये यहां पे आ जाएगा क्योंकि हमने यहां से हटाया, तो ये टू यहां आ जाएगा, तो जो हमारा रेशियो बनेगा वो बनेगा वन इज टू टू इज टू थ्री, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा ये आंसर आ रहा होगा, इसका आंसर ए इज करेक्ट, वन इज टू टू इज टू थ्री, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि इफ टेन इज इक्वल टू ए माइनस इफ टेन ए इज इक्वल टू वन माइनस कॉस बी बाय साइन बी। देखो मुझे ना एक बात किसी ने बताई थी कि जब तुम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, ठीक है, और तुम प्रॉब्लम को अगर लिख लो ना तो तुम्हारी आगे ज्यादा दिक्कतें वहीं खत्म हो जाती है, ठीक है। अब अगर इस प्रॉब्लम को मैंने लिख लिया तो यहां से मैं क्या देख सकता हूं कि मेरा वन माइनस कॉस बी लिखा है। अब जहां पर भी मैथमेटिक्स में हम देखते हैं कि वन माइनस कॉस आता है, ठीक है, तो उसको हम साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वही अब हम यहाँ पे भी करने वाले हैं, ठीक है। और नीचे यहां पर अगर मैं इसको साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा तो साइन बी बाय टू बनेगा, तो मेरे को इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये साइन बी लिखा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टू साइन बी बाय टू कॉस बी बाय टू, ठीक है। तो इतना से मुझे काम करना है, ऊपर मेरा बनेगा टू साइन स्क्वायर बी बाय टू और नीचे बनेगा टू साइन बी बाय टू कॉस बी बाय टू, ठीक है। टू से मेरा टू कटेगा, साइन बी बाय टू से ये कटेगा, मेरा क्या बन जाएगा, साइन बी बाय टू अपॉन कॉस बी बाय टू, और ये किसके बराबर आ गया मेरा, टेन बी बाय टू के, ठीक है। अगर इतना हो गया तो उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे बोला है कि मेरा टेन ए किसके बराबर है, टेन बी बाय टू के। देख लो यार कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट लग रहा है मुझे, बिल्कुल ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर मैं यहां पर टू करूंगा तो मुझे यहां पर भी टू करना पड़ेगा, तो मेरा टेन ए टेन टू ए किसके बराबर आ जाएगा, टेन बी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कंप्यूटर स्क्रीन पर, एक बार देखो कि कैसे होगा और फिर इसको हम करने का ट्राई करते हैं। तो अगर मैं सवाल को देखूं तो मुझे बोला है कि जो मेरा tan थीटा बाय 2 है वो मेरा t के बराबर है, tan थीटा बाय 2 t के बराबर है, और मुझे बोला है 1 माइनस t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो मुझे आंसर बताना है 1 माइनस t स्क्वायर का और 1 प्लस t स्क्वायर का, ठीक है, इसका मुझे आंसर बताना है। मैं t की जगह क्या पुट कर दूंगा, थीटा बाय 2, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2,
ठीक है। अब ये देखा देखा सा लग रहा है यार, क्या देखा देखा लग रहा है, ये किसी का फॉर्मूला है कि नहीं, ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, ये है cos 2 x का फॉर्मूला, जो कि होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय टू, ये फॉर्मूला होता है हमारा cos 2 x का। तो अगर मैं इसके अंदर देखूं तो मेरा फॉर्मूला किसका बन जाएगा, ये बन जाएगा cos 2 थीटा बाय 2, 2 से 2 कटेगा, आंसर क्या आएगा cos थीटा, तो मेरा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस सवाल को करना है। मूविंग ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमारे पास जो एंगल है ट्राइंगल के, वो रेशियो है किसके, 1:2:3 के। अब ये बहुत बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा, ठीक है। तो हमें बताना है कि इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल सीधी बात है कि अगर इनका मैं रेशियो निकालूं, तो रेशियो के हिसाब से, ओके, रेशियो के हिसाब से कितना आएगा, 1x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू, क्योंकि ट्राइंगल है तो ट्राइंगल की तीनों साइड्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहां से मैं x निकाल लूंगा, ठीक है, x निकाल लूंगा, द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, इसके अंदर ना यहां पर एक करेक्शन है क्वेश्चन में, ठीक है, ओके, साइड्स का जो रेशियो साइन थीटा के फॉर्म में निकलता है जब हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहां से जो मेरा x है वो कितना आएगा, x आएगा मेरा 30, तो मेरा एक हो गया एंगल 30, एक हो गया 60, एक हो गया 90, ठीक है। तो अगर मैं इनके साइड्स का रेशियो निकालूंगा तो वो कितना होगा, साइन 30, साइन 60 और साइन 90, ठीक है, तो इतना है। और अगर मैं इनका साइड का रेशियो निकालूं तो कितना आएगा, साइन 30 मेरा कितना होगा 1/2, ये मेरा कितना होगा √3/2, और ये कितना होगा मेरा, मेरा होगा 1, तो रेशियो क्या होगा, 1/2:√3/2:1, तो ये कितना हो गया, 1:2:√3:2, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये हमारा बी ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सवाल को करना है, नेक्स्ट भी चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पास कर रही है इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन से किस किस के, इस लाइन के और इस लाइन के, ठीक है, और तो स्लोप कितना है, इनफाइनाइट स्लोप है। तो पहली बात, अगर मैं स्लोप की बात करूं तो स्लोप कितना आ गया, इनफाइनाइट, यानी 1/0, ये क्या है, इनफाइनाइट स्लोप है, स्लोप है, ठीक है। मतलब एंगल क्या रहा होगा, 90 डिग्री रहा होगा, क्योंकि टैन थीटा ही होता ना हमारा, तो उसके हिसाब से तो मेरा जो एंगल है वो 90 डिग्री रहा होगा, मेरा स्लोप कितना है, इनफाइनाइट है। उसके बाद मुझे क्या बोला है, एंड द डिफरेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन हैज द इक्वेशन, मुझे उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो कि पास कर रही है इंटरसेक्शन से इन दोनों लाइन के, और उसका इनफिनिट स्लोप है, और उसकी दूरी ओरिजिन से कितनी है, 2 यूनिट्स है, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे वो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा जो कि इस लाइन का, ये 3x-3y+1=0, और एक लाइन ये है मेरी, ये है मेरी 2x+5y-9=0, मुझे ये इनका इंटरसेक्शन का पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एक बारी ट्राई करो, पॉज करो और इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने ट्राई करो, इसका इंटरसेक्शन का पॉइंट निकालो जल्दी से। जो इसका इंटरसेक्शन का पॉइंट आएगा वो आएगा 2,1, इसका जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है वो आएगा मेरा 2,1, और मेरी स्लोप ये रही, पॉइंट ये रहा। अब इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, क्या मैं इससे और चीजें आगे निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ, अब देखो, अगर मैं इसकी इस पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसकी इक्वेशन लिखना चाहूँ तो इक्वेशन कैसे लिखूंगा, y-1/x-2=1/0, यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहां से मेरा ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, x-2, ठीक है, ये बनेगा। अब मैं अगर x निकालूंगा तो मैं x किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा, ठीक है, और ये वाली कंडीशन भी यहां से सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, मेरा आंसर क्या है, x=2 आंसर है, ठीक है, क्लियर है। इस लाइन से हम सीधे सीधे ये तो डिस्कार्ड कर ही सकते थे कि भाई ये तो नहीं होने वाला, ठीक है, चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा द वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज दिस एंड द बेस एंड द इक्वेशन ऑफ बेस इज दिस। एक ट्राइंगल बनाते हैं इक्विलेटरल,
ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स बराबर होती हैं, उनके तीनों एंगल कितने होते हैं 60 60 60। अब इसकी बेस की इक्वेशन कितनी है, x plus 2y equals to 1। ये किसकी इक्वेशन है, इसके बेस की इक्वेशन है। और एक ये जो पॉइंट है ना, ठीक है, जो इसका वर्टेक्स का पॉइंट है ये रहा, वो कितना है 2, -1। ठीक है, मेरे पास वर्टेक्स का पॉइंट है और मेरे पास बेस की इक्वेशन, मुझसे पूछा गया इस इसकी साइड पूछिए, ये साइड पूछिए, या ये बोल दो या ये बोल दो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ठीक है, यही है ना इक्वेशन हमारी। ओके, तो सबसे पहले मैं, मेरा काम क्या होगा, अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी निकाल लूं, मतलब ये डिस्टेंस निकाल लूं, ये वाली, अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल लूं ये वाली, ठीक है, और मेरे को पता है कि ये एंगल कितना है 60 और ये एंगल कितना है 90, तो ये एक ट्रायंगल बन गया, ये एक ट्रायंगल बन गया। इसमें क्या मैं अपना जो भी मेरा ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान है वो लगा सकता हूँ, मेरे पास एंगल है साइन 60, मतलब एंगल है 60 वाला, मुझे ये साइड निकालनी है, मेरा साइन 60 इसके बराबर होगा, अगर इसको मैं अभी के लिए एच बोल दूं और इसको मैं एक्स बोल दूं, तो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी एच अपॉन एक्स। इसकी हेल्प से जो मैं अपना आंसर निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला मुझे क्या करना है, इसे मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी निकालनी है, और पॉइंट की दूरी के लिए मेरे पास सिंपल सीधा फॉर्मूला है, क्या कि मैं इस पॉइंट को इस लाइन में पुट कर दूंगा, तो मेरा आएगा 2 -2 -1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का जो है पार्ट ए, 1 का स्क्वायर + 4 यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस हिसाब से जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 1/√5। ठीक है जी, 1/√5 आंसर आएगा। अब इसके हिसाब से मेरे पास नेक्स्ट क्या होगा, कि मेरे पास h तो आ गया, मुझे x निकालना है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट मैं इसकी जो है साइड निकाल सकता हूँ। अब चाहे ये निकाल लो, मतलब चाहे ये है तुम्हारे पास, ये निकाल लो और फिर इसको डबल कर देना, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम जो मर्जी करो। तो जो मैं तुम्हें फाइनल साइड है वो बता रहा हूँ, जो मेरी फाइनल साइड है वो आएगी 2/√15। हमारा भी ऑप्शन है, हमारा भी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब इसके अंदर चाहे तुम साइन से निकालो, चाहे टैन से निकालो, चाहे किसी से भी निकालो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, और नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने ये रहा, बोल रहा है अ सर्कल टचेस वाई एक्सिस एट पॉइंट दिस एंड कट्स द कॉर्ड इन द लेंथ ऑफ द यूनिट डिस्टेंस, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। ठीक है, मुझे इस सर्कल का रेडियस बताना है, अगर ये जो सर्कल है वो टच कर रहा है वाई एक्सिस को एट पॉइंट 0.4, ठीक है, इस पॉइंट पर जो है इस वाई एक्सिस को टच कर रहा है, और एक्स एक्सिस जो कॉर्ड लेंथ है वो 6 यूनिट है, मतलब अगर इसमें रफ रफ डायग्राम बनाओ तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये इसको, ठीक है, तो ये जो कॉर्ड है ये वाली एक्स एक्सिस जो इसकी कॉर्ड है उसकी जो लेंथ है वो है 6 यूनिट्स। ठीक है, और ये इसका सेंटर होगा। ठीक है, हमें इक्वेशन दी नहीं है सर्कल की तो हम सेंटर नहीं लिख सकते, तो मैं ओ लिख लेता हूं, और ये इसका रेडियस होगा। ठीक है, और मुझे एक चीज और बोली है कि ये जो पॉइंट है जहां पर इसको टच कर रहा है वो पॉइंट कितना है, वो है मेरा 0.4। ठीक है, अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है ना, तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये इसी के, मतलब इस तरीके से दिया गया है कि ये इसका यही निकल के आएगा, तो मतलब इसकी जो यहां से यहां तक की लेंथ है ना, ये वाली, वो कितनी होने वाली है, 4 यूनिट्स होने वाली है। ठीक है, तो जो इसकी लेंथ है यहां से यहां तक की 4 हो गई, हमारे पास इसका जो हाफ, इसका जो हाफ पता है वो कितना है, इसका जो हाफ है वो हमारा कितना निकल के आएगा, या तो हम इससे निकाल सकते हैं, या फिर उसके बाद तो हम यहाँ पर अपना पाइथागोरस भी लगा सकते हैं, तो ये मेरा 3 यूनिट्स आएगा। तो उसके उसके बाद मैं ये निकालने के लिए पाइथागोरस लगा दूंगा, क्योंकि मेरे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, उसके बाद मैं अपनी जो है आर निकाल सकता हूँ, जो मेरा आर आएगा यहाँ पर पाइथागोरस लगाने के बाद, ये 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर = r का स्क्वायर। ठीक है, तो वहां से मेरा जो आर आएगा, जो मेरा आर निकल के आएगा वो आएगा मेरा 5। ठीक है, कैसे आएगा, √3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो हल्का सा इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन को बताना चाहिए था कि जो ये रेडियस है ये इसकी इसी लेंथ पे जो है इसको यहाँ पे टच करता है। ठीक है, बट इसमें नहीं बताया गया, थोड़ा सा जो लैंग्वेज है वो इसकी इनकम्प्लीट है, बट कोई बात नहीं, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो मोस्ट ऑफ द चांसेस क्या होंगे कि वो इसकी सेम ही लेंथ पर होने वाला है, नहीं तो वो तुमको बताएगा, इस क्वेश्चन में नहीं बताया था। ठीक है,
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये लिमिट का क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन दिखने में थोड़ा बड़ा सा लग रहा है पर क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन में क्या करना है, अब देखो 1 cos आ गया, 1 cos mx जो मर्जी है, 1 आ गया cos के साथ, तो सिंपल सीधी बात है, सिंपल सीधी बात है, मैं यहाँ पर क्या लगाने वाला हूँ, साइन में कन्वर्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास जो फॉर्मुला होता है लिमिट का वो साइन के अंदर काम करता है, ठीक है, वो साइन के अंदर काम करता है, तो मैं साइन के अंदर इसको कन्वर्ट करूंगा, तो मेरे क्या बनेगा, वो बनेगा 2 sin square mx by 2 divided by 2 sin square nx by 2, ठीक है, लिमिट लगा देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू 0, ठीक है, ये मेरी लिमिट लग गई, रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत नहीं है, कूल, ठीक है, तो ये मेरी लिमिट लग गई। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि मेरे पास फॉर्मूला है, अगर मेरे साइन के आगे वाली टर्म, अगर मैं n को 0 पुट करूंगा, ठीक है, अगर मैं n को 0 पुट करूंगा तो ये वाली टर्म जो है वो मेरी यहां पर x है, सॉरी ये x लिखा है, ये भी x है, ठीक है, साइन के आगे वाली टर्म अगर मैं 0 पुट करूंगा तो वो 0 की तरफ पूरा जो है पार्ट टेंड कर रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0 2 sin स्क्वायर mx / 2 डिवाइड बाय mx का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय mx का / 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर nx / 2 का होल स्क्वायर देखो सबसे पहले क्या किया, यहां पर ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, उसको एज इट इज लिख दिया, डिवाइड बाय इससे कर दिया mx / 2 के होल स्क्वायर से, क्योंकि यहां पे mx / 2 है और यहां पर स्क्वायर है, तो मैं mx / 2 के होल स्क्वायर से यहां पे डिवाइड कर दिया और यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया mx / 2 के होल स्क्वायर से, ठीक है। सिमिलरली अब यहां पर क्या है, इस वाले पार्ट को नीचे वाले पार्ट को एज इट इज लिख दिया और यहां पर हमने, यहां पर क्योंकि nx / 2 था तो हमने ऊपर और नीचे nx / 2 से nx / 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं इतना कर लूंगा तो मेरा ये वाला पार्ट 1 बन रहा है और ये वाला पार्ट 1 बन रहा है, ठीक है। तो मेरे पास जो बचा है वो क्या बचा है, एम एक्स स्क्वायर बाय 4 डिवाइड बाय एन एक्स स्क्वायर बाय 4, 4 से 4 कटेगा, स्क्वायर से स्क्वायर हटेगा, x से x हटेगा, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर नहीं हटेगा, सॉरी माफ करना, x स्क्वायर से x स्क्वायर हटेगा, तो मेरे पास यहां पर आएगा एम स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर नहीं हटेगा, वो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हटेगा और एम स्क्वायर बाय एन स्क्वायर ये आ जाएगा मेरे पास। तो फाइनल आंसर मेरा क्या है, एम स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, यानी मेरा सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, यानी मेरा सी ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमें कह रहा है कि अगर fx, अगर fx मेरा किसके बराबर है, x अपॉन x माइनस 1, और मुझे क्या बताना है, देन f of a upon f of a plus 1, मुझे ये बताना कितना होगा, कूल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मुझे बोला है f of a divided by f of a plus 1, सिंपल सीधी बात है, मैं इसके अंदर क्या पुट करूंगा, f of a पुट कर दूं एक बारी और एक बारी f of a plus 1 पुट कर दूं। अगर मैं इसमें f of a पुट करता हूं तो मेरा क्या बनेगा, ये a upon a minus 1, अगर मैं डिवाइड करके f of a plus 1 लिख दूं तो मुझे पूरे को डिवाइड करना पड़ेगा और यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, x का a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 माइनस 1, इससे ये कटेगा, ठीक है। तो मेरा जो ये फाइनली बनेगा वो बनेगा a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 1, a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 1। अब सिंपल सीधी बात है, अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं तो ये क्या लिखना चाह रहा है, ये लिख रहा है कि अगर मैं यहां पर x स्क्वायर लिख दूं, अगर यहां पर x स्क्वायर लिख दूं और यहां पर x स्क्वायर लिख दूं, यानी f ऑफ x स्क्वायर कितना होगा मेरा, f ऑफ x स्क्वायर मेरा कितना होगा, वो होगा x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। तो इसके हिसाब से अगर मैं f ऑफ a की बात, a स्क्वायर की बात करूं, वो कितना आएगा, f ऑफ a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 1। तो इसके हिसाब से मेरा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल से, ये करने से पहले बस मैं एक बार और रिमाइंड कराना चाहता हूं कि जो हमारा जो जीसीसी का
जो ऑनलाइन बैच है, ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच, वो स्टार्ट हो चुका पढ़ाकू बैच, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम इसकी वेबसाइट पे जाएंगे leadcoaching.com, जैसे हमको खोलेंगे तो हमारे सामने, हाँ हमारे सामने कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये सबसे पहले हमारा रिजल्ट है जो हम इतने सालों से प्रोड्यूस करते आ रहे हैं, ठीक है, तो ये भी एकदम प्राउड वाली बात है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मैं सबसे पहले खुलते आएगा मेरा पढ़ाकू बैच, ठीक है, जो कि स्टार्ट हो रहा है 5 जुलाई से, ठीक है। इसकी जो ओरिएंटेशन है वो 20 जुलाई को हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर इसके एडमिशन वाले सेक्शन में जाऊंगा तो मेरे सामने यहाँ पर ये खुल जाएगा ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच, और यहाँ पर जाकर हम रजिस्टर कर सकते हैं। तो जल्दी से टाइम रहते हुए रजिस्टर कर लेना, ठीक है। अब वापिस चलते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या रहा था कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर x, और हमें बताना है देन dy/dx बताना है, ठीक है। तो अगर मुझे ये बताना है तो यार देखो, जब भी पावर वाला क्वेश्चन आता है ना, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम्हारा क्या लगता है, लॉग लगता है, ठीक है। तो अगर मैं इसके अंदर देखूं तो मैं बोलूंगा टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो मेरा बनेगा लॉग y इज इक्वल टू एक्स लॉग x, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अब मेरा डिफरेंशिएशन नहीं करना था ना, dy/dx निकालना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड, ठीक है। अगर मैं इसको करूंगा तो मेरा कितना आएगा, 1/x, 1/y, 1/y dy/dx, और इसको करूंगा तो इसको एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, ठीक है। मेरा मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लग रहा है इसके अंदर, प्रोडक्ट रूल लग रहा है। तो अगर मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो मेरा फाइनल आंसर क्या आएगा, 1 + log x, ठीक है, ये आएगा इसका आंसर, बिल्कुल, ठीक है। तो अब मैं यहां से dy/dx निकालने के लिए मैं y को उधर भेज दूंगा, ठीक है। तो मेरा जो dy/dx हो जाएगा x की पावर x 1 + log x, ठीक है। अब हाँ, थोड़ा सा इसके अंदर एक चेंज कर देते हैं, इसके अंदर चेंज, क्योंकि ऑप्शन जो है हमारा थोड़ा सा अलग आ रहा है इसमें ऑप्शन, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अगर मैं इसको अंदर ले जाऊं तो यहां पर क्या बनेगा मेरा, x square ही आएगा ना हमारा, यहां पर x की पावर x, ओके, हो गया। देखो x की पावर x² लिख सकते हैं। अब ये जो 1 है इसको मैं क्या log e लिख सकता हूं, टू द बेस e प्लस log x टू द बेस e, ठीक है। अब यहां पर मेरा क्या लग जाएगा, log का जो मल्टीप्लीकेशन वाला रूल है क्योंकि बीच में एडिशन है, तो ये हो जाएगा मेरा x की पावर x, यार मैं बार बार ये क्यों लिख रहा हूं, x की पावर x, आदत है x की पावर 2 लिखने की। यहां पर आएगा मेरा log ex, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा, ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो बढ़ते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होगी, ठीक है, दिक्कत होगी थोड़ा सा पीछे करके देख लेना। बाकी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है, बोला है x की पावर p y की पावर p = x + y p + q, ठीक है। मुझे निकालना है dy/dx। अब इस सवाल को एज अ होमवर्क कर सकते हैं, इसमें कुछ कराने वाला है नहीं, क्योंकि अब बस टेकिंग लॉग बोथ साइड होगा, ठीक है। लॉग बोथ साइड लेंगे तो ये बाहर आ जाएगी, ठीक है, ये बाहर आ जाएगी। उसके बाद फिर नॉर्मल डिफरेंशिएशन करनी है, बाकी रेस्ट इज कैलकुलेशन है, इसके अंदर और कुछ है नहीं। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ताकि तुम उसको करने के बाद वेरीफाई कर पाओ। जो फाइनल आंसर तुम्हारा आएगा वो आएगा y/x, ठीक है। फाइनल आंसर तुम्हारा आएगा y/x, एक स्टेप बीच का लिख देता हूं ताकि तब तुम कर रहे हो तो मैं वेरीफाई कर पाओगे तुम सही जगह पर हो या नहीं। p/x + q/y dy/dx इज इक्वल टू p + q/x + y 1 + dy/dx। ये तुम्हारा वेरीफाई करने के लिए, जब तुम कर रहे होगे तो तुम यहां पर पहुंचोगे, उसी के बाद नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ेगा। तो यहां से वेरीफाई कर लेना कि भाई तुम सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने ये रहा, बोला है कि अगर मेरा
f of x x plus 2 है तो मुझे बताना है f dash of f x कितना होने वाला है at x equal to 4. ठीक है, अगर मैं बात करूं f x के बारे में वो मेरा कितना है x plus 2 है. अगर मैं f dash x निकालूंगा यहां से तो वो मेरा कितना आएगा, वो मेरा आएगा 1. ठीक है, ठीक है. तो अगर मैं f dash of x plus 2 निकालूंगा क्योंकि मेरा f x है ना, f dash of f x, f x मेरा ये है. ठीक है, तो वो भी मेरा कितना रहने वाला है 1 at x equal to 4. क्योंकि यार मेरा कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन के अंदर x की वैल्यू कुछ भी चेंज करो तुम्हारा कांस्टेंट ही रहने वाला है. तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा आंसर कितना आने वाला है 1, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट. ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट है हमारे सामने कि इफ टेंशन चले गए, चलो ठीक है. अगर मेरे पास इंटीग्रेशन में बोला है यहाँ पर, ठीक है, इफ दिस इक्वल टू दिस तो मुझे बताना है कि जो यहाँ पर ए है ना, ये ए क्या होगा. अब मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि जो ए है वो कांस्टेंट है. ठीक है, नहीं भी होगा तो हम देख लेंगे क्या होगा. सबसे पहली बात है कि इंटीग्रेशन करनी कैसे है. अब देखो यहां पर हमारे सामने ये जो है ना, ये हमारे पास एक सिंपल सीधा फॉर्मूला होता है हमारे पास इसका. ठीक है, तो फॉर्मूला है इसका, अगर मैं इसकी बात करूं तो इंटीग्रेशन में इसको आगे बढ़ाऊंगा तो मेरा क्या आने वाला है, इंटीग्रेशन 1 by 2 sin a plus b by 2 यानी 5x plus 3x. ठीक है, यानी 8x by 2. ठीक है, by 2 नहीं आएगा, by 2 तो हटा दिया ना मैं. sin a plus b plus sin a minus b. ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसके हिसाब से हम आगे इसको बढ़ाते हैं. ठीक है, तो अब क्या होगा, यहां पर मेरा dx है. ठीक है, अब तो बस नॉर्मल इंटीग्रेशन है, sin x का इंटीग्रेशन है, cos x, sin x का इंटीग्रेशन है और आगे भी sin x का इंटीग्रेशन है. ठीक है, तो अब इसके बाद तो कुछ करना है नहीं, मैं बस डायरेक्ट आंसर इसका लिख देते हैं. यहां से आएगा मेरा कॉन्स्टेंट यानी c अपना. ठीक है, तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो सिंपल सीधी बात है, तो मेरा ये फॉर्मूला लगेगा, ये आ जाएगा. उसके बाद sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरा, cos माइनस cos x होता है, मैं माइनस cos x लिख दूंगा यहाँ पे और डिवाइड बाय यहाँ पर 8 करूंगा और यहाँ पर 2 है तो 16 हो जाएगा. सिमिलरली sin 2x का इंटीग्रेशन मेरा क्या होगा, माइनस का cos 2x होगा. ठीक है, डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, यहाँ से मेरा 2 आएगा तो 4 हो जाएगा. ठीक है, तो अब यहाँ पर मुझे क्या बोला था कि मेरा इस पार्ट के अलावा जो बचा हुआ वो लिखना है, तो जो बचा हुआ वो क्या है, माइनस cos 2x बाय 4 प्लस cos 1, मेरा बी ऑप्शन है करेक्ट है. ठीक है, यानी मेरा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है. मूविंग ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा है, बोला है कि a की पावर x ठीक है इंटू डी ऑफ a. अब ध्यान देने वाली बात यह है कि डी ऑफ a लिखा हुआ है. ठीक है, डी ऑफ a लिखा हुआ है. अगर ये d of a लिखा हुआ है मतलब क्या है कि जो x है वो यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, x कांस्टेंट है, a वेरिएबल है. अगर यहाँ पर x कांस्टेंट है, a वेरिएबल है, तो इसकी हम मल्टीप्ली, इसकी जो हम इंटीग्रेशन है वो सिंपल वैसे करेंगे जैसे हम x की पावर n की करते थे, x की पावर n की इंटीग्रेशन करते थे. अगर यहाँ पर dx होता था तो हम क्या लिखते थे, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c. तो इसकी भी इंटीग्रेशन जो है वो सिमिलरली इस प्रकार से होने वाली है कि मेरा जो x है, x मेरा क्या है, x मेरा कांस्टेंट बन चुका है, a मेरा क्या है, a वेरिएबल है. तो जो आंसर होगा वो होगा a x plus 1 upon x plus 1 plus c. तो इसमें से मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मेरा c ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है, कूल है. मूविंग ऑन नेक्स्ट, तो नेक्स्ट सवाल हमसे कह रहा है कि अगर मेरा log tan, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 log tan x dx, ठीक है, तो वो मेरा किसके बराबर है. तो सिंपल सीधी बात ये है कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 0 से पाई बाय 2 एज इट इज, अगर मैं log tan को क्या लिख दूं, sin x लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकता हूं. देखो जब भी ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री में या किसी भी सवाल में ट्रिग्नोमेट्री में tan आ रहा है ना, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में tan को sin अपॉन cos कर सकती हूं. क्योंकि क्या, क्योंकि तुम्हारी जो मैथमेटिक्स है वो sin और cos के अराउंड ज्यादा रिवॉल्व करती है, tan के, cot के, cosec के, sec के, इनके अराउंड थोड़ी कम रिवॉल्व करती है. ठीक है, तो अगर तुम tan को sin अपॉन cos में कन्वर्ट करते हो तो उससे क्या होता है, उससे तुम्हारा जो सवाल है तुम्हारे उस कंफर्टेबल एरिया के अंदर आ जाता है, तो तुम उसको जल्दी सॉल्व कर पाते हो. ठीक है, तो अगर मैं इसके अंदर देखूं तो मेरा sin अपॉन cos आ गया. अब log की प्रॉपर्टी है, log की प्रॉपर्टी क्या है, 0 से पाई बाय 2
log sin x minus log cos x into dx. ठीक है, अब मैं अगर इनको सेपरेट कर लूं अलग अलग इंटीग्रेशन में तो ये क्या बनेगा, 0 से पाई बाय 2 साइन लॉग साइन एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2, बहुत बहुत आंसर आए क्या होगा अभी, लॉग कॉस एक्स डीएक्स. ठीक है, अगर इतना हमें पता लग गया तो उसके बाद नेक्स्ट सवाल क्या होने वाला है, अब इसको क्या सॉल्व करेंगे. अब देखो यार, एक प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी जिसको मैं बोलता हूं किंग ऑफ ऑल प्रॉपर्टी, वो क्या कहती है कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, उससे सवाल चेंज नहीं होता है, उससे सवाल वैसा का वैसे रहता है. तो अगर मैं इसके अंदर देखूं तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या पुट कर दूं, सिर्फ इस वाले पार्ट को उठा रहा हूं मैं यहां पे. तो अगर मैं इस वाले पार्ट को देखूं तो ये रहेगा 0 से पाई बाय 2, अपर लिमिट कितनी है मेरी इसकी, पाई बाय 2 cos, अपर लिमिट कितनी है पाई बाय 2, लोअर लिमिट कितनी है x. ठीक है, अपर लिमिट सॉरी 0 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा मेरा और dx. अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं देखो ये और ये सेम ही है, और क्योंकि एक दूसरे को माइनस कर रहे हैं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा फाइनली, 0. ठीक है, वो बस ऐसे ही गुचड़ मुचड़ हो गया, यहाँ पे ऐसे लिखने वाला था आंसर. ठीक है, तो मेरा आंसर क्या होगा फाइनली इसका, 0 ही है मेरा ऑप्शन, डी इज करेक्ट. ठीक है, चलो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सवाल के ऊपर. नेक्स्ट सवाल हम मुझे कह रहा है कि अब ये भी सवाल ना कुछ कुछ इसी तरीके से होने वाला है. सवाल कह रहा है कि 0 से पाई बाय 2 है रूट कॉट डिवाइड बाय रूट कॉट एक्स डिवाइड बाय रूट कॉट एक्स प्लस रूट टेन एक्स इंटू डी एक्स. ठीक है, अगर मैं इसके अंदर सेम वाली प्रॉपर्टी लगाऊं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स. ठीक है, अगर मैं इसको देखूं, देखो इसको मैं आई मान लेता हूं अभी के लिए, आई इंटीग्रेशन है ना आई. तो अगर मैं देखूं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स लगा रहा हूं, तो यहां पर मेरा क्या होगा, अंडर रूट कॉट पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन कॉट आएगा. ठीक है, अपॉन कॉट ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है जी, तो मैं ये लिख सकता हूं. अब ये भी मेरा आई ही है. ठीक है, क्योंकि मैंने बोलता ना अगर ये प्रॉपर्टी लगाते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, तो मेरा सवाल चेंज नहीं होता. तो पहले जो मेरा सवाल था वही अभी मेरा सवाल है. अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इसको मैं अगर अभी के लिए 1 मानूं, इसको अगर मैं अभी के लिए 2 मानूं, तो अगर मैं 1 प्लस 2 कर दूंगा तो यहां पर मेरा कितना हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 अंडर रूट टेन एक्स ठीक है प्लस अंडर रूट कॉट एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट टेन एक्स प्लस अंडर रूट cot x into dx. इससे ये कट जाएगा, सिर्फ यहां पे क्या बचा, x 1 बचा. ठीक है, यहां पर मेरा क्या बचेगा, 1 बचेगा. 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा. ठीक है, तो मेरा जो मेरा फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, 2i is equal to x 0 से पाई बाय 2. तो जो मेरा यहां से आएगा वो कितना आएगा, मेरा पाई बाय 2 बाहर आएगा is equal to 2i. अब ये i निकालने के लिए 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी मेरा पाई बाय 4, यानी मेरा ऑप्शन सी इज करेक्ट. चेक कर लेते हैं एक बारी, जहां तक अपना ऑप्शन सी इज करेक्ट है, जहां तक क्या पक्का ही है. ठीक है, बिल्कुल ओके. तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ दिस, पूरे की वैल्यू बतानी है कि किस पे डिपेंड करती है, क्या ये वैल्यू ए पे डिपेंड करती है, क्या ये वैल्यू बी पे डिपेंड करती है, क्या ये सी पे डिपेंड करती है, अपने को इतना बताना है. तो सवाल को पॉज करो और एक बार ट्राई करो कि कैसे करने वाले हो सवाल को. तो अब अगर मैं देखूं कि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं सिंपल, तो इंटीग्रेशन मेरा क्या आने वाला है, इंटीग्रेशन होगा मेरा इसका इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, मेरा ए एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी एक्स. ठीक है, और लिमिट मेरी कहां से कहां तक है, माइनस 2 से पुट कर देते हैं. यहां पर आएगा मेरा a 2 का स्क्वायर बाय 4 प्लस b, यहां पर 4 आएगा ऊपर,
ठीक है, माइनस ठीक है जी। तो अगर ये माइनस हटेगा तो माइनस का अगर मैं ब्रैकेट हटाऊंगा यहां से, ये ब्रैकेट हटेगा तो यहां पर भी इस ये माइनस का बन जाएगा पूरा, ये पूरा माइनस का बन जाएगा क्योंकि माइनस टू बाहर निकलेगा और क्योंकि पावर फोर है इवन है तो माइनस टू का प्लस टू करा के बाहर निकलेगा। सिमिलरली माइनस टू का प्लस टू करा के बाहर निकलेगा, ये यहां से यहां पर यहां से ये आएगा। अगर एक्चुअली इसको पूरा सॉल्व भी कर देते हैं, ये आएगा मेरा, इसको एज इट इज रखते हैं, अभी माइनस है, अब यहां पर माइनस लिखू चाहे प्लस लिखू पावर तो इवन है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये माइनस का आया था और इस ये माइनस का बना था माइनस टू, इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको काट रहा है, ये इसको काट रहा है, सिर्फ क्या बचा ये और ये, ठीक है। तो इसके हिसाब से मेरा कितना हो जाएगा 4C, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा फाइनल जो सवाल होगा, जो आंसर होगा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो हम साफ साफ देख के बता सकते हैं। जो मेरा फाइनल है वो मेरा C यानी ऑप्शन इस पे डिपेंड कर रहा है, वैल्यू डिपेंड्स ऑन C, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे और हमें बताने की किस पे डिपेंड करना था, हमने बता दिया, ठीक है। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सवाल के ऊपर। नेक्स्ट सवाल हमारे पास ये है, बोला है द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसकी एक्सपेंशन में जो हमारा कोएफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का वो बता रहा है, एक्स का सॉरी। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसका एक्सपेंशन लिखूं, ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन मेरे सामने क्या आने वाला है, जो बाइनोमियल का फॉर्मूला होता है वो होता है एनसीआर, ठीक है। इस पे इसके बेसिस पे चलता है, ठीक है। यहां पर मेरा एक्स स्क्वायर की पावर समथिंग होगी, समथिंग क्या होगी, एन माइनस आर होगी, ठीक है। तो मुझे कोई ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा जिससे कि मैं ये जो पावर है ना एक्स एक्स एक्सपेंशन एक्स का निकालना, ठीक है। तो मुझे एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं चाहिए, मुझे एक्स वाली टर्म चाहिए, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा सिंपल सिंपल, ओके, अब कैलकुलेशन यार बचाने के लिए थोड़ा सा करना पड़ता है। तो यहां पर हमारे पास क्या बनेगा, फाइव सी आर, ठीक है, एक्स स्क्वायर फाइव माइनस आर, वही लिखा है जो वहां पे लिखा है ना, ये लिखा है, मैं इसको नंबरों में डाल दूंगा। यहां पर आएगा x और यहां पर आएगा मेरा r। अब देखो ये r है तो k की पावर भी r होगी, k की पावर भी r होगी और x की पावर भी r होगी, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा x की जो पावर है वो कितनी बन जाएगी, 5 सी आर एक्स की पावर 10 माइनस टू आर, ये टू इतना जाएगा ना, तो ये बन जाएगी, और इधर से आएगा मेरा k की पावर r अपॉन x की पावर r, ठीक है, ये आएगा। अब देखो यहां से ध्यान से, अगर मैं इस r की बात करूं, अब ये x की पावर r है, ठीक है। तो अगर ये नीचे है तो मैं अगर इसमें मिलाना चाहूं, इसको इसमें मिलाना चाहूं, तो ये क्या लिख सकते हैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x की पावर 10 माइनस 2r, ठीक है, माइनस r, ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहां पर मेरा क्या बचेगा, यहां पर मेरा बचेगा k की पावर r बचेगा, ठीक है। अब मुझे बोला है कि मुझे एक्सपेंशन ऑफ x बताना है, x, ठीक है। अगर मुझे x बताना है तो मतलब ये वाली चीज मेरी पूरी कितनी होनी चाहिए, 1 के बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा जो 10 माइनस 2r है माइनस r है वो किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। अगर ये 1 के बराबर होगा तो यहां से मेरा r कितना निकल के आ जाएगा, r मेरा 3 निकल के आएगा, ठीक है, r मेरा 3 निकल के आएगा। तो अब मुझे कोएफिशिएंट बताना है, पूरा बताना है, तो मुझे k की वैल्यू बतानी है बेसिकली, ठीक है। तो अगर मेरा r 3 है, r अगर मेरा 3 है तो इस हिसाब से अगर मैं इसमें इसके इसके एक्सपेंशन में 3 वाली टर्म निकालूं तो वो जो 3 वाली टर्म क्या होगी, वो होगी
देखो मैंने क्या किया, मुझे इतना पता है कि यहां से मैंने आर निकाल लिया, आर मेरा किसके बराबर आया, थ्री के बराबर है। सबसे पहले स्टेप वन क्या है कि अगर मैं एक्सपेंशन की बात करूं तो जो मेरा एक्सपेंशन है वो होता है एनसीआर, ठीक है, और जो पहली वाली टर्म होती है इसमें एन माइनस आर और दूसरी टर्म है आर, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपेंशन है, तो इसके हिसाब से अगर मैं अपने इस सवाल के अंदर देखूं तो मेरा एन मेरा पांच है, तो फाइव सी आर एक्स स्क्वायर की पावर फाइव माइनस आर और के की पावर आर अपन एक्स की पावर आर, ये कुछ ऐसा बनेगा। और अगर मैं इसके अंदर देखूं यहाँ पर एक्स आ रहा है, यहाँ पर एक्स आ रहा है, ठीक है, तो अगर मैं इसको इससे कंबाइन कर दूं तो बनेगा 10 माइनस 2R माइनस R इंटू के की पावर R। तो इसके हिसाब से मेरा जो R निकल के आएगा वो मेरा 3 निकल के आएगा, क्योंकि मेरा R मतलब ये पूरी इक्वेशन को मुझे 1 के बराबर करना पड़ेगा क्योंकि मुझे x का एक्सपेंशन चाहिए सिर्फ और सिर्फ। तो इस हिसाब से मेरा जो R है वो मेरा 3 के बराबर आ गया, ठीक है। तो R अगर 3 के बराबर आ गया तो मुझे थर्ड टर्म निकाल, मुझे यही टर्म निकालनी है, आर्थ वाली टर्म निकाली, तो मुझे एक प्लस करके निकालनी पड़ती है। ये हमारा जब हम बाइनोमियल सीखते हैं, क्योंकि पहली टर्म में आर नहीं होता, ठीक है, पहली टर्म में आर जीरो होता है, उसके हिसाब से मुझे अगर ये निकाला तो मुझे 3+1 करके निकालना पड़ेगा। ये इसके अंदर मैं पुट कर दूंगा सारी चीजें, ठीक है। तो अगर मैं पुट करूंगा तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा होगा के 10 इंटू के की पावर 3 विच इज इक्वल टू 270 दे रखा है हमें। तो मुझे बस क्या करना है, मुझे यहां से ये करना है और के क्यूब इक्वल टू 27 करना है, यानी मेरा के किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा, यानी मेरा ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो इतना सा हमें इसके लिए काम करना था, दैट्स इट। मूविंग ऑन नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 15C 3R और 15C R+3, तो अगर मैं बोलूं 15C 3R विच इज इक्वल टू 15C R+3, अगर ये है मेरे सामने क्वेश्चन, तो मुझे बताना है कि मेरा जो वैल्यू है R की वो क्या रहने वाली है, ठीक है। तो इस सवाल में मैं इसको और क्या लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 15C 15 माइनस 3R, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, 15C R+3। अब क्योंकि ये बराबर है और n भी बराबर है ऊपर, तो ये और ये बराबर होने वाले हैं, यानी 15 माइनस 3R इज इक्वल टू R+3। यहां से मैं R की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा और मेरी जो R की वैल्यू आएगी वो आएगी मेरी 3। इतनी देर से 3-3 चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है जी। ओके मूविंग ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट है द नंबर ऑफ 3 डिजिट्स ऑफ ऑड नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6 व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड। रिपीटिशन अलाउड है और हमें एक 3 डिजिट का ऑड नंबर बनाना है, एक 3 डिजिट का ऑड नंबर बनाना है। तो सबसे पहली बात क्या है कि मुझे 3 डिजिट चाहिए, 1, 2 और 3, ठीक है, रिपीटिशन अलाउड है। तो पहले वाले में इन 6 में से मैं 6 के 6 डाल सकता हूँ, क्योंकि ऑड क्या डिसाइड, ऑड कौन डिसाइड करता है, लास्ट वाली टर्म डिसाइड करती है। अगर वो 2 के टेबल में आ रही होगी तो वो इवन है, नहीं आ रही होगी तो ऑड है। तो 6 की बात करो, यहाँ पर मैं 6 टर्म डाल सकता हूँ, यहाँ पर मैं कितने टर्म डाल सकता हूँ, 6 डाल सकता हूँ, यहाँ मैं कितने डाल सकता हूँ, या तो मैं 1 डालूंगा, यहाँ डालूंगा 3, यहाँ डालूंगा 5, तो मैं 3 डाल सकता हूँ। तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, मेरा होगा 6 × 6 × 3, दैट इज इक्वल टू, कैलकुलेशन कर लेना, 36 × 3 108 आएगा ना, बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा फाइनल आंसर आ रहा होगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है सपोज ए बी सी आर इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, दैट इज 1/4। तीनों की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, बराबर है, और जो कि किसके बराबर है, 1/4 के बराबर है। तो मुझे बताना है प्रोबेबिलिटी, और मुझे प्रोबेबिलिटी ए बी, ए और बी साथ हो रहे हैं, बी और सी साथ हो रहे हैं और ये साथ हो रहे हैं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो है 1/8, ठीक है। तो मुझे बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, ठीक है, ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। तो अगर ये इसका फॉर्मूला है तो मुझे पता है सबकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी है 1/4 प्लस 1/4 माइनस कितनी, माइनस करना पड़ेगा मुझे 1/8, ठीक है। अब मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं आगे, तो मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है डी, यानी 0.5, यानी 1/2 आएगा बेसिकली, 1/2 का मैं 0.5 लिख सकता हूँ, ठीक है जी। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉक्स कंटेन 6 नेल्स एंड 10 नट्स, हाफ ऑफ द नेल्स आर एंड हाफ ऑफ द नट्स आर रस्टेड, ठीक है, तो रस्टेड लिखते हैं, रस्टेड नेल्स कितने हो गए, रस्टेड नेल्स अगर 6 टोटल है तो हाफ हो गए 3, और रस्टेड नट्स, ठीक है, तो वो कितने हो गए 10, यानी 5,
आधे रेस्टेड है ना। उसके बाद मुझसे पूछा है इफ वन आइटम इज चूजन, अब इसमें से मैंने एक आइटम चूज कर लिया तो मुझे बताना है कि प्रोबेबिलिटी दैट कि वो रस्टेड है या और नेल है, एंड नहीं है और है, और है तो मतलब प्लस होता है, एंड होता है मल्टीप्लीकेशन होती है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले मैं निकालता हूं रस्टेड की, रस्टेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल रस्टेड आइटम कितने हो गए 8, ठीक है, टोटल रस्टेड आइटम कितने हो गए 8, तो प्रोबेबिलिटी, और टोटल आइटम्स वैसे कितने हैं 16, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रस्टेड कितनी हो गई 8/16 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नेल, नेल कितनी हो गई 6/16 रस्टेड है और नेल है तो यहां पर 3 आएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसके हिसाब से क्योंकि यहां पर देखो रस्टेड पूछा है और नेल पूछा है, यहां पर ये कंफ्यूजन हो सकती है कि यहां पर मैंने 6 क्यों लिया, क्योंकि नेल तो 6 है, अब क्योंकि अगर रस्टेड है तो वो उसमें कंक्लूड हो गया, ठीक है, यहां पर बचे होंगे अनरस्टेड, अनरस्टेड यहां पर आएंगे, ठीक है, तो इसलिए मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा 11/16 कूल है जी, बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल ये रहा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल है, सवाल बोल रहा है इफ z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट कि जो z1 प्लस z2 का जो मॉड है, जो उसका स्क्वायर है वो बराबर, वो अगर मैं उसमें ऐड करता हूं z1 माइनस z2 का स्क्वायर तो वो किसके बराबर होगा, ठीक है, ठीक है, अगर मैं z1 को लेता हूं कि z1 मेरा x1 प्लस आयोटा y1 है और z2 मेरा कितना है x2 प्लस आयोटा y2, ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे बस वैल्यूज पुट करनी है, तो यहां पर मैं क्या करता हूं x प्लस x1, अगर मैं इसको खोल दूंगा अब मैं इसको खोल लूंगा कैलकुलेशन में, अगर इतने तुम भरे लोगे, ठीक है, और इसको खोल के दिखा रहा हूं, तो अगर मैं इस वाले को खोलूंगा तो मेरा आएगा x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस दूसरे वाले को लिखता हूं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है, यहां पर x1 x2 लिख देता हूं, ठीक है जी, तो अगर इतना कर लेंगे तो उसके बाद मैं क्या बोलूंगा कि मेरा 2x1 स्क्वायर प्लस 2y1 का होल स्क्वायर, एक x1 यहां से आएगा, एक x1 यहां से आएगा, ठीक है, प्लस 2x2 का होल स्क्वायर प्लस 2y2 का होल स्क्वायर, बाकी सारी चीजें कट जाएंगी, कैलकुलेशन करके देख लेना, बाकी सारी चीजें कट रही होंगी, सिर्फ इतना बच रहा होगा, ठीक है, अगर मैं यहां से इसकी बात करूं तो 2 कॉमन ले लूंगा तो मेरा आएगा यहां से 2 और यहां बचेगा मेरा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2 कॉमन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसकी और इसकी बात करूं तो ये मेरा क्या लिखा है, ये मेरा z1 का स्क्वायर लिखा है प्लस 2z2 का स्क्वायर, ठीक है, तो बस इतना ऐसा करना था, इतना कर दिया तो हमारा फाइनल आंसर आ गया, फाइनल आंसर कौन सा है इसके अंदर, बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बिल्कुल, ठीक है जी, मूविंग ऑन नेक्स्ट बोल रहा है कि मेरे पास 3 पॉइंट है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर है, तो मुझे बताना है कि ये वर्टिसेस है राइट एंगल ट्राइंगल के, या वर्टिसेस है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के, या फिर वर्टिसेस है मेरे इक्विलेटरल ट्राइंगल के, मुझे ये बताना है, ठीक है, एक पॉइंट और है कि क्या ये कोलिनियर है या नहीं है, अब क्योंकि कोलिनियरिटी की बात हो रही है तो एक बहुत आसान चीज होती है करने के लिए कि हम इसका ट्राइंगल का एरिया निकाल दें, अगर ट्राइंगल का एरिया इक्वल टू 0 आता है उस केस में मेरा जो पॉइंट्स होते हैं वो कोलिनियर होते हैं, ठीक है, अगर एक ट्राइंगल का एरिया 3 पॉइंट्स है, अगर तीनों पॉइंट का एरिया 0 आता है तो वो तीनों पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं, सिंपल सी बात है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके हिसाब से मैं यहां पर इन तीनों पॉइंट के अंदर x लिखूंगा, x1 मेरा कितना होगा 1, x2 मेरा कितना होगा 5, x3 मेरा कितना होने वाला है 3, और y1 मेरा कितना होगा 3, y2 मेरा कितना होगा 2, 1, और y3 मेरा कितना होगा, तो अगर मैं इसका ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा तो वो कितना आएगा, x1 1/2, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1/1, ठीक है, 1 5 3
3, 1, 2, 1, 1, 1, ठीक है जी। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे, डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा होगा 0। अगर हमारा फाइनल आंसर 0 आ रहा है डिटरमिनेंट सॉल्व करेगा तो मतलब क्या है कि तीनों जो पॉइंट है वो क्या है, कोलिनियर है। तो इसका आंसर क्या होगा कि तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर। ठीक है जी, कूल है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है, बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल ही सेम सवाल है कि यहां पर ये एज अ होमवर्क है, ठीक है, कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा वाई, ठीक है, ये हमारा एक्स वन, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री। अगर ये कोलिनियर है तो इनका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा वो जीरो होगा, और अगर जीरो होगा तो डिटरमिनेंट को जीरो करके मैं यहां से ए की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो इस हिसाब से जो मेरी ए की वैल्यू आएगी वो मेरी कितनी आ जाएगी इस केस के अंदर, इस केस के अंदर जो मेरी ए की वैल्यू आएगी -40। चेक कर लेना, बिल्कुल सेम सवाल है, डिड टू सेम सवाल है, बस क्या थोड़ा नंबर्स अलग है, करना वही है, एक ही चीज करनी है, दैट्स इट। नेक्स्ट, ठीक है, अब ये थियोरेटिकल सवाल है, बोला है कि ए और बी दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं और उनका मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक है, दोनों क्या है, पैरेलल वेक्टर्स हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। अगर दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं तो वो एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, पैरेलल भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब या तो ऐसे भी हो सकते हैं, एक इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, या फिर दोनों इधर जा रहे हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इक्वल मैग्नीट्यूड है, ठीक है, अच्छी बात है, बट पैरेलल के लिए हमें प्रॉपर नहीं बताया कि वो एंटी पैरेलल है या पैरेलल है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि वेक्टर बराबर नहीं है। तो अब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, मतलब लाइक अगर इसमें पैरेलल हो तो ऐसे भी हो सकते हैं, अगर ऐसे हो तो ऐसे भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर होगा कि ए और बी मे और मे नॉट बी इक्वल, अगर सेम तरीके से है, सेम ही लाइन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पैरेलल है, अगर उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं दूसरे के तो एंटी पैरेलल है, उस केस में इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि वेक्टर तभी बराबर होते हैं जब उनकी डायरेक्शन और उनका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर हो, ठीक है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, नेक्स्ट बोल रहा है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वर्टिकल, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है, तो मुझे बताना है कि वो जो ए डॉट बी है वो ग्रेटर देन जीरो है, मुझे दे रखा है, तो मुझे इनमें से कोई कंडीशन बतानी है, ठीक है, तो दो वेक्टर है, एंगल की बात हो रही है, दो वेक्टर है, एंगल की बात हो रही है, तो अगर डॉट प्रोडक्ट पे नहीं गए तो कहां गए, ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे तो मेरा ए डॉट बी किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मेरा कॉस थीटा। अब मुझे बोला है कि ए डॉट बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस वाले पार्ट को जीरो में भेज दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब मेरा क्या है, कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। अगर मेरा कॉस थीटा, अगर मेरा कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो इस केस में मैं क्या बोल सकता हूं कि जो मेरा थीटा है वो कहां से कहां तक लाई करने वाला है, वो मेरा जीरो से पाई बाय, यहां पे थीटा आएगा, जीरो से पाई बाय टू के अंदर लाई करने वाला है, क्योंकि कॉस जो है जीरो पे वन होता है और पाई बाय टू पे जीरो होता है, तो मतलब क्या है, ये ऐसे जाता है, ऐसे, ठीक है, वन से जीरो की तरफ जाता है, ठीक है, तो इस केस में मेरा जो आंसर होगा वो कौन सा होने वाला है, सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है, मेरा सी ऑप्शन इज करेक्ट होने वाला है, चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है, इफ इफ ए इज इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, देन द कॉम्पोनेंट ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। अब ये एक तरीके से क्या है, डॉट प्रोडक्ट वाला बात आ गया, बेसिकली प्रोजेक्शन वाली बात आ गई, ठीक है, तो यहां पर मुझे बोला है कि मुझे कॉम्पोनेंट ऑफ ए निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ बी, यानी प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी निकालना है। सिंपल सा है कि मैं ए का जो प्रोजेक्शन है इन द डायरेक्शन ऑफ बी निकालने के लिए क्या करूंगा, ए डॉट बी, या सिंपल सिंपल यू बोल दूं कि ए डॉट बी, ठीक है, ये मुझे करना है। तो अगर मैं a डॉट b निकाल दूं, उसको डिवाइड कर दूंगा b के मैग्नीट्यूड से, तो मेरा फाइनल आंसर आ रहा होगा। तो मैं अगर a डॉट b निकालूंगा तो मेरा आएगा 3 plus 12, ठीक है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5, ठीक है, तो 3 plus 12 कितना हो गया 15 by 5, मेरा आंसर कितना आ गया 3, तो आ गया ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही था, और जाते जाते थैंक यू भाई, तुमने ये वीडियो देखी, पहली वीडियो थी हमारी बोर्ड के ऊपर और काफी मजा आया उसको बनाने में, और बस इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी पढ़ते रहो अच्छे से, कोई दिक्कत आए, डाउट आए, उसके लिए हम हैं ये, और
बस इतना ही कहूंगा। और हाँ लास्ट में बस एक बार फिर से बता दूं कि जो हमारा जीसीसी का जो पढ़ाकू बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, उसकी काउंसलिंग 20 तारीख को हो जाएगी। तो जो भी आपके यार दोस्त हैं, भाई बहन हैं छोटे में, तो अगर उनको बताना चाहते हो कि भाई लीड की तैयारी यहाँ से होती है तो प्लीज रिकमेंड कीजिए, क्योंकि ट्रस्टेड सोर्स है, 10-11 साल पुराना सोर्स है, रिजल्ट आता है यहाँ से, ठीक है। तो फिर बस आज की वीडियो के लिए इतना था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना, बाय बाय।